दोस्तों, आपका चैनल पाइपिंग एंड मैकेनिकल ज्ञान में तहे दिल से स्वागत है। आज के इस वीडियो में जानने वाले हैं, जब आप सैंड ब्लास्टर के लिए इंटरव्यू देने जाते हैं तो क्लाइंट सैंड ब्लास्टिंग करने के लिए आपसे क्या सवाल पूछता है और आपको उसका क्या जवाब देना है, इन सब के बारे में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। क्लाइंट आपसे सबसे पहला क्वेश्चन पूछ सकता है, सैंड ब्लास्टिंग करने की क्यों आवश्यकता होती है। तो उत्तर में आपको बताना है, सैंड ब्लास्टिंग के द्वारा मटेरियल पर लगे पेंट, रस्ट यानी कि जंग और अवशेषों को जल्दी और कुशलता से हटाने के लिए सैंड ब्लास्टिंग का उपयोग किया जाता है। धातु पर हुए खरोच और कास्टिंग मटेरियल के निशान को हटाने के लिए भी सैंड ब्लास्टिंग का उपयोग किया जाता है। सैंड ब्लास्टिंग को एब्रेसिव ब्लास्टिंग के नाम से भी जानते हैं। अब जानते हैं एब्रेसिव ब्लास्टिंग के टाइप के बारे में। एब्रेसिव ब्लास्टिंग अनेक प्रकार के होते हैं। वेट एब्रेसिव ब्लास्टिंग, बीट एब्रेसिव ब्लास्टिंग, व्हील ब्लास्टिंग, हाइड्रो ब्लास्टिंग, माइक्रो एब्रेसिव ब्लास्टिंग, ड्राई आइस ब्लास्टिंग, ब्रिस्टल ब्लास्टिंग, स्लरी ब्लास्टिंग एंड वैक्यूम ब्लास्टिंग। अगला क्वेश्चन पूछ सकता है, सैंड ब्लास्टर खुद की सुरक्षा के लिए कौन से पीपी यानी कि पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट यूज करते हैं। उत्तर में आपको बताना है, सैंड ब्लास्टर के लिए यूज होने वाले पीपी यानी कि पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट जैसे कि गम बूट्स, FRC यानी कि फायर रेजिस्टेंस, कवरऑल, लेदर हैंड ग्लव्स, ईयर प्लग, फेस शील्ड, ब्लास्टर हुड या एयर कंडीशनर हेलमेट, ब्लास्ट सूट इत्यादि, ये सब ब्लास्टर खुद की सुरक्षा के लिए पीपी यूज करते हैं। अगला क्वेश्चन पूछ सकता है, ब्लास्टिंग चालू करने से पहले सेटअप कैसे करेंगे। तो उत्तर में आपको बताना है, ब्लास्टिंग चालू करने से पहले एयर कंप्रेसर में एयर होज जोड़ेंगे, फिर एयर होज या एयर पाइप को ब्रीदिंग एयर फिल्टर से जोड़ेंगे, उसके बाद हुड को ब्रीदिंग एयर फिल्टर से कनेक्ट करेंगे, उसके बाद कंप्रेसर में एयर होज कनेक्ट करके ब्लास्ट मशीन या हॉपर से जोड़ेंगे, उसके बाद हॉपर में ब्लास्ट होज कनेक्ट करेंगे, फिर ब्लास्ट होज में जितने एम का नोजल रिक्वायर होगा उतने एम का नोजल कनेक्ट कर देंगे, उसके बाद ब्लास्टिंग करेंगे। तो ये सब बता सकते हैं। अगला क्वेश्चन पूछ सकता है, सैंड ब्लास्टिंग करने के लिए ब्लास्टिंग नोजल साइज कितना होता है। तो उत्तर में आपको बताना है, सैंड ब्लास्टिंग करने के लिए मटेरियल के हिसाब से अलग अलग साइज का नोजल यूज किया जाता है, जैसे 1/8 इंच या 3.2 mm, 3/16 इंच या 4.8 mm, 1/4 इंच या 6.35 mm, 5/16 इंच या 8 mm, 3/8 इंच या 9.5 mm, 7/16 इंच या 11.1 mm, 1/2 इंच या 12.7 mm, 5/8 इंच या 16 mm, 3/4 इंच या 19 mm। तो इस साइज का नोजल यूज किया जाता है सैंड ब्लास्टिंग करने के लिए। जितने कम mm का नोजल बोर होगा उससे एरिया कम ब्लास्टिंग होगा। अगला क्वेश्चन पूछ सकता है, सैंड ब्लास्टिंग नोजल कितने प्रकार के होते हैं। तो उत्तर में आपको बताना है, सैंड ब्लास्टिंग नोजल दो प्रकार के होते हैं। पहला, स्ट्रेट बोर सैंड ब्लास्टिंग नोजल या सीधा नोजल। दूसरा, वेंचुरी नोजल सैंड ब्लास्टिंग या बेंड नोजल, इसे एंगल नोजल भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन पूछ सकता है, सैंड ब्लास्टिंग करने के लिए सैंड यानी कि रेती कितने प्रकार की होती है। तो उत्तर में आपको बताना है, रेती अनेक प्रकार की होती है, जैसे सिल्का सैंड, सोडा ब्लास्टिंग, स्टील ग्रिट, ग्लास बीट, ब्रिस्टल ब्लास्टिंग इत्यादि, ये सब रेती के प्रकार हैं। जहाँ जिसका ज़रूरत पड़ता है वहाँ ये सब यूज करके ब्लास्टिंग किया जाता है। अगला क्वेश्चन पूछ सकता है, सैंड ब्लास्टिंग करने के लिए एयर प्रेशर कितना होना चाहिए। तो उत्तर में आपको बताना है, सैंड ब्लास्टिंग करने के लिए सामान्यतः 7 bar या 102 PSI प्रेशर यूज किया जाता है। हर कंपनी के रिक्वायर के हिसाब से प्रेशर यूज किया जाता है। अगला क्वेश्चन पूछ सकता है, सैंड ब्लास्टिंग करते समय मटेरियल सरफेस या जॉब सरफेस से कितने एंगल पर ब्लास्टिंग करना चाहिए। तो उत्तर में आपको बताना है, सैंड ब्लास्टिंग करते समय जॉब सरफेस या धातु के सतह से
45 डिग्री पर नोजल करके सैंडब्लास्टिंग करना चाहिए। क्लाइंट अगला क्वेश्चन पूछ सकता है, सैंडब्लास्टिंग करने के लिए जब के सतह से या धात के सतह से कितना दूरी होनी चाहिए? तो उत्तर में आपको बताना है, सैंडब्लास्टिंग करने के लिए जब के सतह से या धात के सतह से 300 से 400 एमएम की दूरी होनी चाहिए। और आज मेरा आपसे रिक्वेस्ट है, आपने हो सकता है सब्सक्राइब भी कर लिया हो, घंटी भी बजा दी हो, लेकिन अपने 3-4 दोस्तों को कम से कम फेसबुक और व्हाट्सएप पर शेयर करें कि वो भी बेल आइकन को प्रेस करें और वहाँ तक ये नोटिफिकेशन जा सके। अगर मेरे वीडियो से मदद होती हो तो हर बार मेरे रिक्वेस्ट किए बिना लाइक कर दिया करिए। मेरा वीडियो देखने के लिए आपको तहे दिल से प्रेम पूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद।